नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। खबर मधुबनी जिले के बेनीपट्टी से आ रही है, जहां प्रशासन आपके द्वारा कार्यक्रम के माध्यम से बेनीपट्टी प्रखंड के त्योथ पंचायत में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कर शिविर लगाकर ऑन स्पॉट कई मामलों का निपटारा किया गया। जानकारी के अनुसार जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश पर प्रशासन आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत प्रखंड अंतर्गत त्योंथ में निरीक्षण सह शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के माध्यम से त्योंथ पंचायत में सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया एवं लोक सेवा संबंधी प्राप्त समस्या मूलक आवेदनों की सुनवाई और उसका ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया, जहां मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड, आंगनबाड़ी, बिजली, नल जल योजना सहित कई अन्य मुद्दे छाए रहे। लोगों की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपट्टी अशोक मंडल व प्रखंड विकास पदाधिकारी बेनीपट्टी डॉक्टर रवि रंजन ने प्राप्त आवेदनों के आलोक में स्थानीय जनप्रतिनिधियों व आवास सहायक राजकुमार निराला, आवास पर्यवेक्षक रवि कुमार, तकनीकी सहायक प्रीति कुमारी के साथ स्थल निरीक्षण किया और कई मामलों को ऑन स्पॉट निष्पादित कर दिया। जांच के क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के कुल 4 लाभुकों का स्थल निरीक्षण वार्ड 9 में किया गया, जिसमें 3 लाभुकों पुतुल देवी, मल्लिक यादव, रोहित यादव ने आवास निर्माण पूर्ण कर लिया था और एक अन्य आवास योजना के लाभों का प्राप्त राशि के अनुसार आवास निर्माण का काम हो गया था, जिन्हें अगली किस्त के भुगतान हेतु आवास पर्यवेक्षक रवि कुमार और आवास सहायक राजकुमार निराला को निर्देशित कर दिया गया है। नल जल योजना की जांच त्योथ पंचायत के वार्ड 9 में SDO अशोक मंडल व BDO बेनीपट्टी डॉक्टर रवि रंजन ने किया, जहां नल जल की स्थिति काफी खराब पाकर SDO बेनीपट्टी अशोक मंडल ने काफी नाराजगी जताई और नव निर्वाचित वार्ड सदस्य व अनुरक्षक से पानी चालू करने को कहा गया। जब पानी चालू किया गया तो पानी टंकी से ठीक पश्चिम थोड़ी ही दूरी पर प्राथमिक विद्यालय के समीप झरना नुमा पानी का फव्वारा निकलने लगा, जिसे देखते ही SDO साहब ने कहा कि जल्द से जल्द पाइप की मरम्मत करवाते हुए लाभुकों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराया जाए और इसकी विस्तृत रिपोर्ट 2 दिनों के भीतर अनुमंडल कार्यालय को सौंपने का निर्देश भी दिया। लोगों के सवाल का जवाब देते हुए SDO बेनीपट्टी अशोक मंडल और BDO बेनीपट्टी डॉक्टर रवि रंजन ने बताया कि बहुत जल्द सारी तकनीकी खामियों को दूर करते हुए पंचायत के संपूर्ण जगहों पर नल जल से लाभुकों को शुद्ध पेयजल मुहैया करा दिया जाएगा, जिसके लिए प्रखंड शासन निरंतर प्रयासरत है। पंचायत में पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण होने से चारों ओर अफरा तफरी मची थी। SDO बेनीपट्टी अशोक मंडल सहित अन्य पदाधिकारियों द्वारा पंचायत के सभी विकासात्मक योजनाओं की जांच की गई। इस दौरान गरीब गुरबा लोगों के लिए जैसे नया सवेरा हो गया हो प्रतीत हो रहा था। हल्की हल्की वर्षा होने के बावजूद भी फरियादियों की भीड़ लगातार आ रही थी। कई लोगों ने इस निरीक्षण शिविर से मामले का ऑन द स्पॉट निष्पादन होता देख अपनी खुशी का इजहार करते हुए बताया कि इस प्रकार से गरीबों की फरियाद सुनकर उसका तुरंत निदान किया जाता है, जिससे काफी खुशियों का एहसास हो रहा है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। मधुबनी जिले सहित आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम आप तक हर छोटी बड़ी खबरों को पहुंचाते रहेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। Facebook पर चौथा स्तंभ डिजिटल पेज को फॉलो करें। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए हमारे न्यूज वेबसाइट www.4thastambhdigital.com पर जाएं।